हेलो स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन मैं चंदन कुमार हाजिर हूं आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ सो गाइस आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे राजनीतिक सिद्धांत की और राजनीतिक सिद्धांत की क्या प्रकृति और क्या स्वरूप है यानी नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इसके बारे में हम बात करने वाले हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो ना केवल मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं चाहे वो एसओएल में पढ़ते हैं इग्नू में हैं या फिर वो एन सी बी या किसी रेगुलर कॉलेज में पढ़ते हैं इसके अलावा वे सभी स्टूडेंट्स जो किसी भी रेगुलर कॉलेज में पढ़ते हैं चाहे वो प्रोग्राम के या ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए भी आज की नई वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है यहाँ पर हम डीप से बात करेंगे राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति और स्वरूप क्या है अगर आप लोगों ने अब तक ये वीडियो नहीं देखी है कि राजनीतिक सिद्धांत की क्या प्रकृति है तो भाई लिंक आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर आप वीडियो की प्ले का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है आप वहाँ से जाकर पूरी की पूरी प्ले लिस्ट चेकआउट कर सकते हैं और वहाँ से अपने एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट नोट्स बना सकते हैं चले गए स्टार्ट करते हैं तो कहीं अगर आप लोग कोई सा भी आंसर लिख रहे हैं ना केवल राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति और स्वरूप आपको कोई भी आंसर लिखना है तो आपको तीन पार्ट्स में डिवाइड करना है सबसे पहला उसका परिचय यानी उसकी प्रस्तावना तो यहाँ पर आप लोग इसकी प्रस्तावना में क्या लिखेंगे दूसरी बात आप लोगों को उसकी मेन बॉडी और लास्ट में आपको इसका कंक्लूजन यानी निष्कर्ष भी जरूर लिखना है तो भाई राजनीतिक सिद्धांत जो है हम इसको स्टार्ट करें अब इसकी प्रकृति और स्वरूप तो आप इस तरीके से शुरुआत करेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत की जो प्रकृति और जो स्वरूप है इसको लिखने की जो परंपरा है ये बहुत पुरानी है हम मोटे तौर पर राजनीतिक चिंतनों को यानी जो राजनीतिक सिद्धांत के जो चिंतन है उसको दो भागों में बांटते हैं या दो वर्गों में विभाजित करते हैं सबसे पहला शास्त्रीय या परंपरागत चिंतन और दूसरा है आपका आधुनिक चिंतन आज की इस नई वीडियो में हम सिर्फ परंपरागत जो चिंतन है या फिर परंपरागत जो राजनीतिक सिद्धांत शास्त्री हैं उनके बारे में बात करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है तो एक वीडियो में करवाना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है चलिए स्टार्ट करते हैं तो भाई परंपरावादी जो भी विचारक होते हैं उनके कुछ नाम मैंने आपके सामने लिखे हैं जैसे उनमें प्लेटो अरस्तु होब्स एम्यूनल कांट हीगल है ना ऐसे मिल मार्क्स ऐसे बहुत सारे आपके राजनीतिक विचारक हैं बीसवीं शताब्दी में भी कई ऐसे विचारक हुए जिन्हें हम परंपरागत विचारक में ही गिनते हैं जिसमें मैक्यावर लास्की लॉर्ड ब्राइस ये सारे सिद्धांत शास्त्री भी थे बीसवीं शताब्दी में ही पर इन्हें क्या समझा जाता है परंपरागत विचारक ही समझा जाता है चलिए परंपरागत राजनीतिक विचारकों की क्या प्रकृति थी क्या प्रकृति नहीं थी इसके बारे में बात करेंगे तो इन्होंने सबसे पहली चीज़ क्या किया है कि अपने अपने समय की समस्याएं जो थीं उन्होंने इसको विषय चुना है और उसके बाद में उनकी जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करने के लिए जनता के सामने उनका एग्जाम्पल रखा है कि भाई ये जो है ये जनता के सामने इसकी प्रकृति और ये उसका स्वरूप है आप लोगों को ध्यान रखना है ध्यान से आप लोगों को समझना है कि जितने भी परंपरागत सिद्धांत शास्त्री थे उन्होंने अपने अपने समय की जो समस्याएं थी उन्हें एज अ विषय चुना है और उसके बाद में उन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए उन्होंने अपने सिद्धांतों में उनका वर्णन किया है जैसे परम्परागत जो भी लेखक होते थे वो अपने युग की समस्याओं को क्या करते थे विषय के रूप में चुनते थे और उन क्योंकि वो उन उन समस्याओं से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे इसीलिए उन्होंने क्या किया है? अपने अपने ढंग से अपने अपने समय की जो भी समस्याएं थी उनको विषय के रूप में चुना और उसके बाद में उसका स्थायी समाधान कैसे पाया जा सकता है उन अपने सिद्धांतों में उन्होंने इसी चीज़ की कोशिश की उदाहरण के लिए जैसे प्लेटो है प्लेटो के सामने ये समस्या रही कि भाई यूनान का जो नगर है उसमें राजनीतिक स्वार्थ था और राजनीतिक स्वार्थ और कले के कारण वहाँ की जो राजनीतिक जो व्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी इसकी वजह से उन्होंने अपना जो ग्रंथ लिखा था रिपब्लिक उसके अंदर उन्होंने बताने का भी प्रयास किया है इसके लिए प्लेटो ने क्या किया दार्शनिक राजा दार्शनिक राजा ने फिलासफर किंग की थ्योरी दी थी फिलासफर किंग की स्थापना करने की बात करी उनमें उन्होंने ये बताया था कि एक राजा जो है तभी एक अच्छा राजा बन सकता है जब उसका ना कोई निजी परिवार होगा शासक वर्ग के जो अन्य लोग होंगे जैसे मंत्री होते हैं वो सब भी अपना कोई भी निजी परिवार बनाने का उनको अधिकार नहीं होगा और वो पूरे के पूरे समूचे समाज को ही अगर अपना परिवार समझेंगे तो इस तरीके से राजनीति राजनीतिकवली ने क्या, क्या किया कि भाई अपने समय में जो इटली में उनकी जो राजनीतिक दशा थी उसी से दुखी होकर उन्होंने क्या किया शासक वर्ग के कुछ प्रमुख कर्तव्य बताए जिसमें उन्होंने ये बताया कि एक जो राज्य है यानी जो वहाँ की सरकार है उसको सशक्त बनाना है मजबूत बनाना है तो उसके लिए उन्हें क्या क्या करना पड़ेगा तो भाई उनका उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने बताया छल कपट हत्या और ये कुछ है ये न्याय संगत कई बार बताए क्यों न्याय संगत बताए क्योंकि उस समय की जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो राजा की सुरक्षा के लिए थी इसीलिए उन्होंने इसको उचित बताया ऐसे ही हम बात करें इंग्लैंड में सत्रहवीं शताब्दी में अशांति और राजनीतिक हलचलों का जो युग था उस समय बहुत ज्यादा राजनीतिक गड़बड़ियाँ थी और इसी वजह से हॉप्स ने वहाँ पर निरंकुश राजतंत्र का क्या कर गए वो समर्थक कर गए उन्होंने अपने समय के जो चिंतन था उसको जारी रखा था ऐसे ही हम दूसरे पॉइंट के बारे में बात करेंगे इसके दूसरा पॉइंट है आपका परंपरागत जो राजनीतिक चिंतन थे वो दार्शनिक और मजहब उन पर बहुत ज़्यादा यानी जो उन पर उनका जो धर्म था वो बहुत ज़्यादा हावी था यानी पुराने जो सिद्धांत शास्त्री थे वो सारे के सारे क्या करते थे अपने समय के जो भी समस्या थे उनका समाधान मज़हब के ढंग से यानी धर्म को सामने रख कर या धर्म के हिसाब से ही वो प्रस्तुत करते थे जैसे हमारे पास में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जैसे एक प्लेटो है यूनानी प्राचीन दार्शनिक है वैसी अरस्तु है इन्होंने क्या बताया इन्होंने बताया कि राज्य और कानून मनुष्य का नैतिक स्वभाव की उपज है यानी मनुष्य ने जो राज्य और जो ये कानून है ये इसलिए बना रखे हैं ताकि समाज में सामंजस्य स्थापित किया जा सके कोई भी एक ताकतवर वर्ग है जो दूसरे वर्ग पर अपना आधिपत्य ना जमा सके इसीलिए आगे चल के उन्होंने एक चीज़ ये बात कही थी कि जो ईसाई है वो राजधर्म है उसके रूप में उन्होंने उसको प्रदर्शित किया धर्मों का वो खंडन करने के चक्कर में थे कि जो भी धर्म धर्मव्यापी जो भी ऐसे लोग हैं तो उन सबका इन्होंने खंडन किया और यह विवाद जो है आगे ईसाई समाज में Uh, मध्ययुग तक भी रहा मतलब सिंपल आप लोगों के लिए मैं कॉम्प्रिहेंसिव वे में ये बता सकता हूँ कि जो भी उनकी समस्या होती थी वो धर्म के लिए आज से ही वो सॉल्व करने की कोशिश करते थे इसके लिए चाहे आपसी रिश्ते बिगड़ जाए वाद विवाद हो इस बात से उन्हें कोई भी मतलब नहीं होता था चलिए ये आपको समझ में आ गया कि कई यूरोपीय विद्वानों ने कहा है कि राज्य की तुलना में जो चर्च है वो सबसे हमेशा क्या है ऊपर है जो चर्च है उसके द्वारा जो बात कही जा रही है वो शासन व्यवस्था के लिए सबसे ऊपर है और इसी वजह से प्राचीन काल के जितने भी शासक थे उन सभी ने धर्म को पर्याय माना और धर्म को पर्याय मानने के बाद ही ईश्वरी आधार पर यानी जो वो बात कह रहे हैं वो ईश्वर की आधार है ईश्वर की ही बात है वो दैविक राजा का सिद्धांत अपनाते थे भारत की बात करें चीन की बात करें या फिर हम यूनान की बात करें कहीं की भी बात करें सब जगह वहाँ पर ऐसी ही व्यवस्था थी जो परंपरागत चिंतन थे वो दर्शन शास्त्र यानी मजहब से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे इसीलिए वो ज़्यादातर अपने सिद्धांतों का जो औचित्य है वो धर्मों के आधार पर ही सिद्ध करते थे ना कि मानवीय उपागमों के आधार पे मानवीय उपागमों का भी प्रयोग कई बार होता हुआ दिखता है क्योंकि आधुनिक समय के जो कई सारे विद्वान रहे जैसे हमारे विश्व शताब्दी के तो उन्होंने वर्तमान समय में आधुनिक में कहा है इस प्राचीन के अंदर उन्होंने कोई भी इसके अंदर बातें नहीं कही है प्लेटो ने अपने जो दार्शनिक राजा का जो सिद्धांत था उसके अंदर इन्होंने चित्रण में ये बताया था रूसों ने सामान्य इच्छा के सिद्धांत में इसी तरीके से बताया कि भाई ईश्वरीय स्वरूप के हिसाब से हमें जैसा प्रकृति का नियम है उसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और उसी हिसाब से हमें क्या करना चाहिए अपने समाज के अंदर कार्य करने चाहिए हीगल ने भी पूर्ण विकसित राज्य को राजतंत्र होना निश्चित बताया कि अगर आपको पूरी तरीके से अपने राज्य को विकसित करना है तो उसके लिए राजतंत्र होना चाहिए और राजा उसी धर्म का पालन करे और समाज भी उसको एक्सेप्ट करे जिसका राजा है इससे क्या होती है समाज में एकता होती है कभी भी हमारे यहाँ पर विद्रोह नहीं होते ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है कई परंपरागत लेखक ऐसे भी हैं जिन्होंने मानवीय उपागम के साथ साथ अनुभवीय उपागमों को भी अपनाया और तथ्य और आंकड़ों का संकलन किया यानी बहुत सारे तथ्य और आंकड़े उन्होंने इकट्ठे किए अरस्तु उनमें से एक थे उन्होंने एक देशों का क्या किया संविधानों का अध्ययन किया था शासन का अध्ययन किया था और आगे चल के काल मार्क्स भी कुछ इसी प्रकार के विचारक रहे जिन्होंने मानव और मानवीय अनुभवों के आधार पर अपनी रचनाएं करी थी सो so गाइज़ यही थी आप सभी के लिए वीडियो आज की अगर आप लोगों को इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो इसे लाइक करें अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप लोगों ने अब तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन नहीं किया तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं अपनी कोई भी क्वेरी है जो आप हमें इंस्टाग्राम पर हमें शेयर करके बता सकते हैं और साथ ही साथ आप कमेंट करके वीडियो को लाइक करके हमारी इस फैमिली का हिस्सा बने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें